से पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन। अब ये डबल रिफ्रैक्शन क्या होती है, ये ना नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। या एक साइंटिस्ट था निकोल, उसे प्रिज्म निकाला, निकोल प्रिज्म, उसके नाम के दो प्रिज्म है। उसने दो प्रिज्म लिए, उनको जोड़ दिया। जोड़ा कैसे, चिपका दिया किससे, एक सीमेंट आता है, क्या नाम है सीमेंट का, कनाडा बालसम सीमेंट। ये आम एसीसी का सीमेंट नहीं है, लगाया पानी में घोल के और ये थोड़ा ना होगा, खास किस्म का सीमेंट है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट पास हो जाती है, चिपकाता भी है और लाइट भी प्रिज्म की तरह ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका। जब जब इसमें लाइट को पास किया गया अनपोलराइज्ड, इसने प्रिज्म ने क्या किया, उस लाइट के दो हिस्से कर दिए, लाइट को तोड़ दिया दो हिस्सों में। एक लाइट तो बिल्कुल सीधी चली गई, ये एक्सेप्शन है, दो प्रिज्म और एक सीमेंट में से पास होने के बाद रिफ्रैक्शन ही नहीं हुई, तो लाइट की रिफ्रैक्शन ही नहीं हुई और वो सीधी चली गई, ये नॉर्मल लाइट नहीं है। इस लाइट का नाम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे है, ये सीधी की सीधी चली गई और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे क्या देखी गई, कंप्लीटली पोलराइज हो गई और इसमें से कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्रैक्ट भी हो गया, आम रे रिफ्रैक्ट। तो रिफ्रैक्शन के अंदर ये रे क्या है, ऑर्डिनरी रे है, लेकिन जो सीधी रे गई वो पोलराइज हो गई। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं डिस्कस कर रहे, ना कहीं मेंशन होने वाला है, बस ये फिनोमेना है जिससे कि लाइट पोलराइज होती हुई नजर आई। इसके ऊपर क्वेश्चन आता, मैंने देखा नहीं है पर मैंने बता दिया कि इसके अंदर है क्या कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं आएगा वैसे।